हे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोग के लिए एक और जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी जरूरत हर स्टूडेंट को है, हर माँ बाप को है। इसके अलावा दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सारे लोग एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों वो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्या है, आप उसको कैसे शुरू कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप हमारे वीडियोस देखकर जीत सकते हो 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए का कैश। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं। सवाल मैं आपको कभी भी पूछूंगा तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसके अलावा कमाओ कमांडो का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आकर आपको हमको फॉलो करना है। इसके अलावा आपके जवाब को हमको डीएम करना होगा, तो एक लकी विनर को हमारी तरफ से मिलेगा 500 रुपए का कैश, मतलब दोस्तों पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो सवाल मैं इस वीडियो में आपको कभी भी पूछ सकता हूं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताऊं, उससे पहले इस स्टार्टअप से रिलेटेड मार्केट के अंदर करंटली जो सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली सिचुएशन दोस्तों, मान लीजिए एक माँ बाप को अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराना है, तो उनके आसपास के 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 6-7 स्कूल तो होंगे ही होंगे। अब दोस्तों ये जो 6-7 स्कूल्स हैं, इनमें सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, मार्केट में अभी क्या हो रहा है, जिस स्कूल की फीस सबसे ज्यादा है उसको सबसे अच्छा समझा जाता है, और जिस स्कूल की फीस सबसे कम है उसको उतना अच्छा समझा नहीं जाता। तो दोस्तों जिनके पास पैसे है वो अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं जिनकी फीस सबसे ज्यादा होती है, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं जिनकी फीस सबसे कम होती है। लेकिन दोस्तों ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो स्कूल सबसे ज्यादा फीस लेती है वो सबसे अच्छी होगी, या फिर जो स्कूल सबसे कम फीस लेती है वो अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर किसी को पता लगाना है कि कौन से स्कूल सबसे बेस्ट है तो वो कैसे लगा सकता है? अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अगर किसी को भी चेक करना है तो गूगल पे चेक कर सकता है, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर स्कूल बहुत बड़ी है तो उनकी वेबसाइट भी अवेलेबल होगी, गूगल के ऊपर भी उनके रिव्यूज अवेलेबल होंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्कूल छोटी है तो हो सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल नहीं होगी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर सारी स्कूल की इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो हम किस बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्कूल सबसे बेस्ट है? इसके अलावा दोस्तों जिस स्कूल की वेबसाइट अवेलेबल होगी उस वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा स्कूल ने ही डाला होगा, और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने बारे में नेगेटिव चीजें लिखेगी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, उस माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि उनके आसपास के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी 6-7 स्कूल है उनमें सबसे बेस्ट स्कूल कौन सी है? सो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड सिचुएशन के बारे में। अब दोस्तों मान लीजिए मुंबई में एक लड़का रहता है जिसने 10th का एग्जाम पास किया, और मुंबई के अंदर 40-50 कॉलेज तो होगी होगी, तो अगर उसको फाइंड आउट करना है कि उसके लिए मतलब उसके करियर के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सी है, सो वो कैसे फाइंड आउट कर सकता है? दोस्तों इसका भी आंसर नहीं है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी सिचुएशन। अब दोस्तों मान लीजिए एक माँ बाप है जिनका एक बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, और उस माँ बाप का ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में। तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको अपने बच्चे के लिए नया स्कूल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जिस नई लोकेशन में वो गए हैं उनके आसपास में कौन से स्कूल सबसे बेस्ट है उनको कैसे पता चलेगा? दोस्तों इसका भी आंसर नहीं है। तो दोस्तों हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें हमको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी कॉलेज या कौन सी स्कूल सबसे बेस्ट है, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों पैसे तो हम किसी भी बिजनेस को शुरू करके कमा सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को शुरू करके हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे का भविष्य कैसा होगा ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसने कौन सी स्कूल और कौन सी कॉलेज से एजुकेशन ली है। लेकिन दोस्तों माँ बाप को यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल कौन सी होगी या फिर सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल है, उनकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, तो उसके बाद में अगर किसी को भी चेक करना है कि उसके आसपास में कौन सी स्कूल सबसे बेस्ट है, तो वो सिंपली क्या करेगा, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, उसके बाद में अपना पिन कोड एंटर करेगा, और पिन कोड एंटर करने के बाद में उसके आसपास में जितनी भी स्कूल होगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दिखाई देने लगेगी, स्कूल की रेटिंग भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर वो स्कूल के ऊपर क्लिक करके देखता है तो उसको स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे कि फीस कितनी है, कितने बच्चों की कैपेसिटी है, कौन से टीचर्स है, और टीचर
की भी रेटिंग होगी, टीचर को कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहां कहां पे उन्होंने काम किया, सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। तो जो भी आदमी चेक करेगा उसको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि रेटिंग कौन प्रोवाइड करेगा। देखिए दोस्तों, रेटिंग स्टूडेंट या फिर उनके माँ बाप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें मतलब एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाए जिसके अंदर स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमारे आसपास में ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के सवाल के बारे में। दोस्तों आज का सवाल है, किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? ए पैसा, बी अच्छे एम्प्लॉइज या फिर रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, सी फाउंडर का डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, और डी इन तीनों में सारी चीजें। सो दोस्तों आपका जो भी जवाब होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके हमें फॉलो कर लीजिए और वहां पे डीएम भी कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट संडे को 10 बजे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में होगा, तो आप उसको भी चेक करते रहिएगा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, हमको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी? देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे टीम बनानी पड़ेगी, और जो टीम होगी उसको आपको फुल टाइम हायर करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम बेसिस पे पर डे के हिसाब से लोगों को रख सकते हैं। अब आपको लोग कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप इस आइडिया को पूरे इंडिया लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप जहां पे रह रहे हैं उसके आसपास में इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए, और उसके बाद में पूरे इंडिया लेवल पे करना चाहिए। अब दोस्तों आप इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने अपने आसपास के एरिया में 40 से 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल्स है, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 लोगों को ग्राउंड लेवल पर सुपरवाइजिंग का काम करने के लिए आपको छोड़ना होगा। अब दोस्तों अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि वो 2-3 लोग ग्राउंड लेवल पर सुपरवाइजिंग का काम करेंगे तो एक्चुअल काम कौन करेगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉकेट मनी के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो आप उनको पर डे बेसिस पे हायर कर सकते हैं। उसके बाद में वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग स्कूल में जाएंगे, और स्कूल के बाहर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे जाके बात करेंगे, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में वो स्कूल के अंदर भी जाएंगे, कॉलेज के अंदर भी जाएंगे, और वहां से भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी स्कूल अच्छी है या फिर कौन सी कॉलेज अच्छी है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, 2 से 3 लोगों को सुपरवाइजिंग का काम करने के लिए छोड़ना है, और उसके अंडर में जो लोगों को भी आप हायर करने वाले हैं उनको पर डे बेसिस पे हायर कीजिए, वो आपका काम कर देंगे। उसके बाद में आपको जो डेटा मिल जाएगा उसको आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करना होगा, और उसके बाद में जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वहां से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको कम से कम कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका खर्चा आने वाला है प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए, और प्लेटफॉर्म आप बिल्ड कर सकते हो 2 तरीकों से। सबसे पहला, आप किसी आईटी कंपनी के पास जा सकते हो जो वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाती है, उनसे आप बनवा सकते हो। अगर आप किसी आईटी कंपनी से वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको कम से कम कॉस्टिंग आने वाला है 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपके पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप ऐसी वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से भी बना सकते हो, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप वर्डप्रेस की मदद से बनाते हो तो आपका ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगा, आप 5 से 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आसानी से इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वर्डप्रेस की मदद से अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दोस्तों मान लीजिए आपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया शुरू कर दिया और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा ऑप्शन भी आ जाए कि अगर कोई भी इंसान किसी कॉलेज या किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म से ही ले पाए। सो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का एडिशन करवाना होगा सो वर्डप्रेस की मदद से अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी आईटी कंपनी से वेबसाइट बनाई होगी तो उसके अंदर नए मॉड्यूल्स को ऐड करना बहुत ही आसान होगा। सो दोस्तों उसके अंदर स्केलेबिलिटी का ऑप्शन रहेगा, लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा सा लिमिटेशन होगा। सो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत में वर्डप्रेस से शुरू कर सकते हैं, और जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे तो उसके बाद में आप किसी आईटी कंपनी से अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं, फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपनी नई वेबसाइट में माइग्रेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो मैक्सिमम खर्चा आने वाला है वो आने वाला है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करेंगे उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, सो वहीं पे ही आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। सो दोस्तों मान के चलिए अगर आप वर्डप्रेस की मदद से इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं और इस स्टार्टअप आइडिया को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम
ढाई से तीन लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और अगर आप किसी आईटी कंपनी से इस तरीके की वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपके पास कम से कम पांच से छह लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस तरीके का स्टार्टअप बिजनेस आइडिया शुरू करने के लिए। अब दोस्तों हो सकता है आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में हमको रिकवरी कैसे होगी, हम पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तो हमको कहीं से दिख नहीं रहा है कि हम पैसे कमा पाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस तो सेल नहीं कर रहे, तो आपकी डायरेक्ट इनकम तो नहीं होगी, लेकिन आप इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे कमा सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट भी आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे एड नेटवर्क मिल जाएंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है गूगल का। आप गूगल एडसेंस के थ्रू, गूगल एडमॉब के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगा के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन भी रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी एरिया में कोई नई कॉलेज खुलती है, कोई स्कूल खुलती है और उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो क्या कर सकता है, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो कॉलेज होगी या फिर उसकी जो स्कूल होगी वो सबसे टॉप में दिखाई देगी और एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए वो आपको पैसा देगा। जैसे हम फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसी प्रकार से आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो नई स्कूल होगी, नई कॉलेज होगी, वो सब एडवर्टाइजमेंट रन कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा उतने ही बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ कोलैब करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनकी विजिबिलिटी आपके प्लेटफॉर्म पर बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता चले। तो दोस्तों यहां से भी आपको अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डायरेक्टली तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट दिखा के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो एनुअली 5 से 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। सो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। और जब एक बार आपका बिजनेस चलने लगेगा तो आपको और भी बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। और अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं से तो आप पैसे आसानी से कमा ही पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जो आपको सवाल पूछा था उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और जो आपका जवाब होगा वो मुझे डीएम कीजिएगा। एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए जो डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।